हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग यमी मम्मी। अभी अभी तो सुबह के 1:30 बज रहे हैं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं आज आपके पास एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए एक मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। तो आज मैं हाफ एंड हाफ का 81 पीसेस के आई शेडो का रिव्यू करने वाली हूँ और आई स्वैच। तो ये हाफ एंड हाफ का है, ये इसका आउटर और इनर कवरिंग है। देखिए ये 48 ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें 51 पीसेज आपको आई शेडो के मिलेंगे। और इसका दाम देखिए लिखा हुआ है 399 रुपीज़ आपको इसको मिलेगा। मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये मुझे 2 दिन पहले ही अमेज़ॉन से रिसीव हुआ है व्यूअर्स। तो मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बैठे होंगे, मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे कि स्निग्धा मैम नया वीडियो लेके आएंगी। तो ये देखिए कुछ इस कलर का, ये ब्लैक कलर का आउटर कवरेज है जो बहुत ही सुंदर है। मुझे इसकी कवरेज बहुत पसंद है, इसकी पैकिंग बहुत ही कमाल की है। आगे पीछे ये बहुत ही सुंदर है, वैसे खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने आज हॉट सॉफ्ट कर्ल्स किए थे तो अपने बालों को मैं पहले सेट कर लेती हूँ। अब मुझे आपको बताइएगा कि आपको मेरे बालों में क्रिम्पिंग कैसे लगी। और ये बालों को सेट करके तो मैं अब आई शेडो पैलेट आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने आई शेडो पैलेट खोला और देखिए बहुत ही अच्छा, इसमें हैंडी सा एक मिरर देता है जो आप बैठ के भी वहाँ पे आप आई शेडो लगा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। इसमें 81 शेड्स है तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो बहुत ही सुंदर और पिगमेंटेड कलर्स, इसमें मैट कलर्स 2-4 ही हैं, बाकी सब शिमरी और ग्लिटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी पन्नी मैं निकाल के अब आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर 81 कलर्स हैं, इसमें ऐसा कोई कलर नहीं है डार्क या लाइट जो आपको मिलेगा नहीं। मैं वो क्लोजअप लुक दिखाती हूँ गाइस, देखिए ये बहुत ही सुंदर है। तो ये मैं आज आपको आंखों का स्वैच करके और आंखों का एक आई शेडो लुक क्रिएट करके दिखाने जा रही हूँ। तो आप आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये है आई शेडो ब्रशेज़ हैं जिनकी सहायता से मैं आई शेडो लुक आज क्रिएट करूँगी। मैंने क्लोम येलो कलर का टॉप पहना तो उसी ये मैचिंग में लगाऊंगी। तो ये 5-6 ब्रशेज़ हैं जिनकी सहायता से मैं लगाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आई शेडो वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, मैंने ब्लेंडिंग ब्रश, सारे ब्रश, क्रीज लाइन ब्रश, वी शेप ब्रश, सारे ब्रशेस लिए हैं और मैंने आई शेडो पैलेट अब खोला। तो एक क्लीन मैंने ब्रश लिया जिससे मैं अपनी क्रीज को अब बिल्डअप करेंगे। तो मैंने सोचा कि अपने क्लोम येलो कलर के टॉप से मैचिंग ही कोई आई शेडो लगा दें। तो मैंने इसमें से प्लास्टिक निकाल दिया ब्रश में से और मैं एक कौन सा कलर लूँ। तो गाइज मैं सोचती हूँ कि मेरे ऊपर ये क्लोम येलो है तो उसके साथ मैचिंग कुछ लगाना चाहिए। तो मैंने ये डार्क ऑरेंज, मैंने सनसेट लुक क्रिएट करने के बारे में सोचा है। तो सनसेट होता है तो जो आसमान का रंग हो जाता है उस तरीके की मैं आँखें बनाऊँगी। तो मैंने डार्क ऑरेंजिश कलर जो लिया है, पीछे डार्क ऑरेंजिश कलर, और ये मैं इससे अपनी क्रीज लाइन को बिल्डअप कर रही हूँ। एक अच्छा सा आप पहले एक नॉर्मल ब्रश लीजिए जिससे आप दोनों आँखों के ऊपर वो डार्क सनसेट ऑरेंज वाला जो कलर है उसे आप पुट ऑन कर दीजिए। जब दोनों आंखों में लग जाएगा तो हम एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और उससे हम दोनों ही आंखों के ऊपर अच्छे से उसको, सारा जो आई शेडो का खेल होता है गाइज वो ब्लेंडिंग करने का होता है। जितने अच्छे से आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना ही निखर के आपका ये आता है। तो ये देखिए मैंने एक मोटा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है और मैं अपने दोनों आईज़ के क्रीज लाइन को बिल्डअप करूँगी। आज मैं कोई कंसीलर वगैरह लगा के वो नहीं करूँगी, कंसीलर वाली आईज़ दिखाऊँगी। नॉर्मल मैं आपको आई शेडो का रिव्यू कर रही हूँ तो नॉर्मल सनसेट व्यू वाला मैं आईज़ बनाऊंगी। तो मैंने ये डार्क ऑरेंजी पीछे शेड लिया है और मैं अपने क्रीज लाइन को अब बिल्डअप कर रही हूँ। अच्छे से उसे बिल्डअप कीजिए, आप फ्लफी ब्रश ले लीजिए, नॉर्मल कंसीलर ब्रश ले लीजिए, ज़्यादा उसको ब्लेंड करते जाइए। याद रखिएगा कि आपको क्रीज लाइन से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्रीज लाइन के अंदर ही आपको बिल्डअप करते जाना है। तो देखिए मैं अच्छे से उसको बिल्डअप कर रही हूँ। अब मैं अपने टॉप से मैचिंग एक येलो कलर लूँगी। तो 2-3 येलो कलर मुझे पसंद आया, उनमें से देखते हैं कि जो भी लगा के उसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो मैं अपने अब सेंटर वी पे, सेंटर के ऊपर अब मैं लगा के देखती हूँ कि कौन सा मेरे टॉप के साथ मैच करता है। तो ये मैंने सेंटर में अपने आई लिड के ऊपर लगाया ये वाला येल्लो, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा मेरे टॉप से थोड़ा लाइट कलर का लगा। तो मैंने फिर भी इसको लगा लिया। तो मैं दूसरा येल्लो जो एक डार्क क्लोम येल्लो कलर है उसको लेके मैं उसको मिक्स एंड मैच करके अपने टॉप के कलर का करके एक सुंदर सा क्लोम येल्लो शेड जो है वो मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने डार्क येलो कलर अब लिया है वहाँ से। तो ये मुझे ये मेरे टॉप के साथ बिल्कुल ही अच्छे से बखूबी जा रहा है। तो इसको लेके गाइस मैं अच्छे से अपने सेंटर आईलिड के ऊपर इसे लगाऊंगी। आईलिड कहते हैं जो आँख जब हम बंद करते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है। तो इसको मैं अच्छे से लेके पहले प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद हमें इसे ब्लेंड करना पड़ेगा।
पहले आप अच्छे से उसे लगाते जाइए जब तक कि आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का कलर आपकी आँखों के ऊपर ना मिल जाए। तो मैंने आपको बोला मैं सनसेट येल्लो वाला कलर यूज़ आज करूँगी। तो और जब आपने देखा जब सूरज ढलता है तो पीछे ऑरेंज सा हो जाता है, पूरा आसमान ऑरेंज सा, इसलिए मेरा जो सेंटर है वो येल्लो कलर का है, क्रोम येल्लो कलर का, और पीछे जो मेरा क्रीज लाइन है वो डार्क ऑरेंजिश कलर का है, सनसेट कलर का। तो मैं येल्लो कलर को लेकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी जब तक कि मुझे डिज़ायर्ड कलर ना मिल जाए। तो मेरा येल्लो हो गया है, तो मैं सनसेट वाला जो मेरा ऑरेंज कलर है वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो मैं फिर से उस छोटे से ब्रश से लेके उसको मैं डार्क करके इन्हेंस करूँगी ताकि मेरा ऑरेंज जो है वो कहीं पे सबसाइड ना हो जाए, वो इन्हेंस्ड रहे। तो जब तक आपको अपना डिज़ायर्ड लुक ना मिल जाए आप दोनों ही कलर का गेम करते रहिए, ऑरेंज भी और क्लोम येल्लो भी। तो मैं मोटा फ्लफी ब्रश ले लूँगी और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करते जाऊँगी गाइस जब तक मुझे सुंदर सा सनसेट वाला लुक ना मिल जाए। तो देखिए मैं दोनों ही आँखों के ऊपर, ये मैंने लेफ्ट और राइट आँखों के ऊपर मैं कर रही हूँ। तो अब इसी में बहुत अच्छा कलर है तो मैंने सोचा इसी से क्यों ना ब्लश भी बना लिया जाए। तो मैं सनसेट लुक बना रही हूँ तो मैंने वही वाला जो क्रीज लाइन पर लगाया था वही पीछी ऑरेंज शेड लेके अब मैं अपने दोनों गालों पर ब्लश भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप ये पैलेट ले लेंगे तो आप इसे आई शेडो भी कर सकते हैं और आप इसके एज अ ब्लशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर सिल्वर शेड भी दिए जिसे आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सोचा कि टीवी में गाना चेंज कर दिया जाए, कोई अच्छा सा गाना लगाया जाए, तो मैंने ये गाना लगाने के लिए मैं उठी और ये अब मैंने ब्लशर लगा लिया। अब मैं इसको अपने ब्राउ लाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज़ में लगाऊंगी ताकि मेरी आँखें और बढ़ी। ये वाला वाइट शेड मैंने लगाया जो थोड़ा सिल्वरी टच देता है, तो मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगा लिया है अपनी आँखों के ताकि मेरी आँखें थोड़ी वाइडन अप लगाएं। मैंने और कोई मेकअप किया नहीं, सिर्फ काजल लगाया मैंने। मैंने सोचा आपको आँखों का करके दिखाती हूँ। तो अब इसके ऊपर आप एक मोटा सा विंग लाइनर भी लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने अपने ब्राउ बोन के नीचे भी अब वो वाला सिल्वर वाला हाईलाइटर लगा लिया ताकि मेरी आँखें और भी ज़्यादा उभर के एक्सेंचुएटेड लगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्यूअर्स, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और मैं अब जिससे आपने अपने ऊपर आई शेडो लगाया था सेम उसी लाल वाले ब्रश से, सेम उसी पीची कलर के ऑरेंज ब्रश से आप अपने लोअर वाटर लाइन पे भी काजल के नीचे वो आई शेडो को आप प्लेस कर लीजिए। याद रखिएगा जब भी हम आई शेडो लगाते हैं तो हमें अपनी आंखों को अगर बड़ी दिखाना है तो ऊपर एज वेल एज़ नीचे भी हमें आई शेडो लगाना पड़ता है। तो मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए ये वाला पीची सनसेट ऑरेंज कलर लेके अपने काजल के नीचे आप लगा सकते हैं। आप अपनी आँखों को बड़ा दिखाने के लिए अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी वाइट काजल लगा सकते हैं, पर मैंने आज ब्लैक ही लगाया क्योंकि मुझे सिर्फ आई शेडो का रिव्यू करना था। तो देखिए मेरी आँखें कितनी चमक रही हैं और ब्लशर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बोल नहीं सकता कि मैंने ब्लशर नहीं लगाया है बिकॉज वो ब्लशर ही लग रहा है। और मेरी सिल्वर ब्राउ बोन के नीचे भी आंखें जो कितनी चमक रही है क्योंकि मैंने हाईलाइटर लगाया। तो मैं अपनी आंखें बंद करके आपको लुक दिखाती हूँ क्लोजअप। देखिए क्या मेरी आंखें बिल्कुल सनसेट वाली नहीं लग रही हैं, क्या मेरी टॉप से मैचिंग नहीं लग रही है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर।